झील सैफुल मलूक जिला मानसरा की वादी कागान में नारान से सिर्फ 9 किलोमीटर के फासले पर मलिका पर्वत के शुमाली हिस्से में वाक़ है। सतह समंदर से 10,578 फुट की बुलंदी पर मौजूद ये कुदरत का शाहकार मुल्क भर से सयाहों को अपनी तरफ बुलाता है। यहाँ सैर सियाहत के लिए आने वाले अफराद वापस जाते वक्त झील के अतराफ प्लास्टिक की बोतलें, शॉपिंग बैग्स, रैपर्स और इस्तेमाल शुदा मास्क फेंक जाते हैं। झील के आसपास कूड़ादान भी नस्ब हैं, लेकिन कूड़े को ठिकाने लगाने का मुनासिब बंदोबस्त नहीं, जिसकी वजह से सियाहती मकाम पर गंदगी में इजाफा होने लगा है। यहाँ पे जिस तरीके से गंदगी, यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान की वो जगह है जहाँ दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं, हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती देखने आते हैं। हमारे लोगों को तो चाहिए कि इन जगहों को अपने घर की तरह साफ सुथरा रखें, और गवर्नमेंट की इंतजाम की भी चाहिए कि हमें सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और यहाँ पे डस्टबिन वगैरह वो सब रखें, ताकि लोग भी जिम्मेदार बने और वो अपने कचरे यहाँ पे रोडों पे और इतनी अच्छी जगह पे फेंकने के बजाय डस्टबिन में डालें। मकामी अफराद और सयाहों का कहना है कि झील सैफुल मलूक मुल्क का असासा है, जिसकी हिफाजत और साफ रखने के लिए हुकूमत के साथ अवाम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। कवि शंकर, डॉन न्यूज़, झील सैफुल मलूक, नारान।